हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाबा में। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कॉपी पे रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मुझे कुछ व्यूअर ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि भैया कॉपी पे वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि हम लोग अच्छा से समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं कॉपी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एजुकेशन बाबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आपके लिए बनाते रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं 12th के कुछ बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। ये है वो कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड में इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, द्विखंडन पाया जाता है, ए जलकुंभी में, दो कमल में, सी अमीबा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका डिटेल में आंसर का डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिंपल से आंसर बता के आगे निकलते जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर है अमीबा, द्विखंडन पाया जाता है सी अमीबा में। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौन संचालित रोग है, इसका आंसर है ए मलेरिया, बी एड्स, सी डेंगू और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है एड्स। सी, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, ए डीएनए, बी प्रोटीन, सी वसा और डी सभी। चौथा क्वेश्चन, तो इसका आंसर तीसरा का आंसर हो जाएगा डीएनए, ए नंबर का। और चौथा क्वेश्चन देखिए, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है, ए जीवाणु, बी फफूंद, सी पादप और डी ईस्ट। तो इसका आंसर है जीवाणु, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है, जीवाणु से बनता है। तो चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर हो रहता है, गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर रहता है। तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए का ए विटामिन, बी ऑप्शन सी विटामिन, सी ऑप्शन डी विटामिन और डी ऑप्शन ई विटामिन। तो इसका आंसर है ए विटामिन, गोल्डन राइस में ए विटामिन पाया जाता है। और छठा क्वेश्चन, पारितांत्रिक शब्द का नामांकन कीजिए, ए मॉर्गन, बी एजी टासले और सी लामार्क और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है एजी टॉसले, जिन्होंने पारितांत्रिक शब्द का नामकरण किए थे। और सातवां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मिथेन, सी सीएफसी और डी सभी। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस सारे हैं, मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड सीएफसी, तो सारे हैं। तो इसका आंसर डी कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आप देख पा अगला क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो अगला क्वेश्चन है ये। तो आप देख रहे होंगे, आठ नंबर क्वेश्चन, जेम्यूलस बनते हैं, ए हाइड्रा में, बी स्पंज में, सी ईस्ट में और डी सभी में। तो जेम्यूलस बनते हैं स्पंज में बनते हैं, इसका डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, स्टार्ट में भी बताया था। और नाइन नंबर क्वेश्चन है, लीची में खाया जाने वाला भाग कहलाता है, ए टेंगमेन, बी भ्रूणपोष, सी अध्यावरण और डी बीजचोल। तो इसका आंसर है बीजचोल, लीची का खाया जाने वाला भाग बीजचोल होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है अपयुग्मन, बी असंजनन और सी अभिनिषेक जनन, अनिषेक जनन और डी सभी। तो इसका आंसर है सी अनिषेक जनन। और दोस्तों
एंड में आपको बता दें कि अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे YouTube की तरफ से अभी कोई भी रुपया या कोई भी मनी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग के दुआ की वजह से, आप लोग के प्यार और लाइक सब्सक्राइब की वजह से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर का बात छोड़िए, शेयर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हम आगे के और भी वीडियो आपके लिए बना सके और आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए कि मैंने एक वीडियो बनाया। और दोस्तों 10th और 12th का हर सारा पेपर इसमें अपलोड होता रहेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, आपका फ़ायदा है और मेरा भी कुछ फ़ायदा है।